तुमसे किसने कहा कि अंग्रेजी सीखना मुश्किल है? तुमसे किसने कहा कि तुम सबसे सुंदर लड़की हो? तुमसे किसने कहा कि मैं नहीं आ रहा हूँ? गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं तुमसे किसने कहा, तुमसे किसने कहा कि, तुमसे किसने कहा कि, सबसे पहले इसकी इंग्लिश जान लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हु टोल्ड यू दैट, हु टोल्ड यू दैट। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा हु टोल्ड यू दैट, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ कर देनी है हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आएगा तो उस टेंस के हिसाब से लिख दिया जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इस स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तुमसे किसने कहा कि अंग्रेजी सीखना मुश्किल है? हु टोल्ड यू दैट इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न? हु टोल्ड यू दैट इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न? तुमसे किसने कहा कि तुम सबसे सुंदर लड़की हो? हु टोल्ड यू दैट यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल? हु टोल्ड यू दैट यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल? तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? हु टोल्ड यू दैट आई डोंट लव यू? हु टोल्ड यू दैट आई डोंट लव यू? तुमसे किसने कहा कि मैं नहीं आ रहा हूँ? हु टोल्ड यू दैट आई एम नॉट कमिंग? हु टोल्ड यू दैट आई एम नॉट कमिंग? तुमसे किसने कहा कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? हु टोल्ड यू दैट एवरीथिंग कैन बी परचेस्ड विथ मनी? हु टोल्ड यू दैट एवरीथिंग कैन बी परचेस्ड विथ मनी? तुमसे किसने कहा कि तुम बेवकूफ हो? हु टोल्ड यू दैट यू आर अ फूल? हु टोल्ड यू दैट यू आर अ फूल?